মাদি করিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 100 সাল কি উমর থি কাদসিয়া কি জঙ্গ মে জব ও লড় আর ও ঘোড়ে পর লড় রহে থে লড়তে লড়তে জখমি হোকর গিরে উমর কিতনি 100 সাল জখমি হোকর গিরে এক ইরানি কা ঘোড়া করিব সে গুজরা তো উসকি দম পকড় লি আর উসকো জো পকড় কে খেঁচা ईरानी ने सारा जोर लगाया कि घोड़े को मैं निकाल लूँ, वो घोड़ा नहीं छुड़ा सका। आखिर वो घोड़ा छोड़ के भाग गया और उन्होंने उसको यूं पीछे खींचा और खड़े होकर छलांग लगा के उसके ऊपर चढ़ के फिर लड़ना शुरू कर दिया। 110 साल की उम्र में नेहावंद की जंग में शहीद हुए। रिजाल देखे हैं इस जमीन व आसमान ने, रिजाल उन لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا इस दिल को अल्लाह के लिए साफ करना सीखो, इस दिल को अल्लाह के लिए पाक करना सीखो। और इसकी सफाई में सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको बुग़्ज़ से पाक करो, इसको नफ़रत से पाक करो, इसको हसद से पाक करो, इसको दुनिया की हिर्स व हवस से पाक करो, इसको बड़ा बनने की हवस से पाक करो। नीचे ज़मीन की तरफ यमशून अलल अर्द हौना वैज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ज़मीन पर बिछ कर चलो। लन तखरक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल ला तमशी फिल अर्द मरहा इन्नका लन तखरक़ल अर्द वलन तबलुग़ल जिबाल तूला कुल्लु ज़ालिका कान सय्यू इंदा रब्बिका मकरूहा। तो ज़मीन पर झुक के चलो। दिलों को अगर दिल में अल्लाह को बसाना है, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कौम ने आपके रब का कोई घर है तो नाराज़ हो गए, ये क्या सवाल करते हो। अल्लाह ने कहा नहीं, इनसे कहो कि तेरा रब ला मकान है ला जमान है, लेकिन एक साफ दिल जो मुसलमान का होता है वो तेरे रब का अर्श है, तेरा रब उसमें आता है। ला यसानु अर्दी वला समाही, शायद ये पता नहीं इसकी रिवायत कैसी है लेकिन इसका मजमून सही है कि साफ दिल अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श से ज़्यादा वो नूरानी और कीमती है कि जहाँ अल्लाह की मोहब्बत है। तो आप लोग जा रहे हो, अल्लाह को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना, और अल्लाह को सामने रख के ज़िंदगी गुजारनी है तो सीरत पढ़ो, सीरत कुरान पढ़ो, सीरत पढ़ो। और आपको एक किताब अल्लाह ने दे दी है, क्या नाम, कैफ़ आमला। इसको इस तरह सारी ज़िंदगी पढ़ो जैसे कुरान पढ़ते हैं कि आपको पता चले कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। मौलवी बन के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारनी, देवबंदी बन के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, उम्मती बन के ज़िंदगी गुजारनी, मुस्लिम बन के मोमिन बन के ज़िंदगी गुजारनी, किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना, किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना। और जैसे मैं अपनी तरफ से मैं टक्करें मारता रहा कि तुम्हें मुस्बत ज़िंदगी सिखाऊं, मुस्बत सोच सिखाऊं, तुम्हें मनफी जज्बों से निकालूं, तुम्हें नफ़रतों से निकालूं, तुम्हें बोझ से निकालूं, तुम्हें हसद से निकालूं, तुम्हें हकारत से निकालूं, तुम्हें दुनिया की हिर्स व हवस से, निकालने वाला तो अल्लाह है, मेरे बस में तो कुछ भी नहीं। चंद जुमले थे जो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी सुनाता रहा, सारे साल सुनाता रहा, लेकिन इस दिल को अल्लाह का मस्कन बनाना है, अल्लाह का अर्श बनाना है। तो मेरे अजीज़ वैसे वो अंसारी सहाबी की तरह किस दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं। हमने कहा इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है। एक सहाबी आए जूता हाथ में, अंसारी सहाबी। अगले दिन आपने कहा इस दरवाजे से जन्नती आ रहा है, वही अंसारी सहाबी जूता हाथ में। तीसरे दिन आपने कहा जन्नती आ रहा है, वही सहाबी जूता हाथ में। तो अमर बिन आस के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर सहाबा में सबसे ज़्यादा इबादत वाले सहाबी हैं। सारी रात नफल पढ़ते थे, सारा साल रोज़ा रखते थे, दिन में एक कुरान ख़त्म करते थे। इतना बड़ा इबादत का पैमाना किसी के पास नहीं था। उनको ख्याल आया कि ये मुझसे ज़्यादा बंदगी करता है, जो इसको 3 दिन मुसलसल जन्नत की बशारत मिली और मुझे नहीं मिली। उनको देखने चले गए,
चाचा बाप नाराज है, आपके पास कुछ दिन गुजार लूं? कहा हाँ बेटा जरूर गुजारो। अब वो सोच रहे थे कि पता नहीं रात को ये कौन सी जुए शीर लाएगा और कौन से ये लंबे सजदे करेगा जो हिला के रख देंगे सारी ज़मीन को, सारे कमरे को। और लेटे और चादर ऊपर करके ऐसे सुराख बना के उनकी तरफ फोकस हो के देखने लगे। वो तशरीफ़ लाए और बिस्म अल्लाहुम्मा बिस्म का मुँह तो वह अहिया करके बिस्मिल्लाह बरकत नाल सारी रात सोते रहे। वो तो हैरान परेशान हो गए भी ए की बन, एक बंदा जन्नत की बशारत ले रहा है तो सारी रात सोता पे। उस जमाने में तो मुनाफिक भी तहज्जुद नहीं छोड़ते थे। तो अच्छा चलो कल देखूंगा। अगले दिन फिर वो चादर ऊपर करके और ऐसे करके लेट गए तो वो फिर आए अल्लाहुम्मा बिस्म का अमूत वाहिया और वो गए। वो फिर बड़े हैरान हुए और देखते रहे अभी उठेगा अभी उठेगा अभी उठेगा। वो फिर सारी रात सोते रहे। अगले दिन का चलो एक रात और देख लूँ कसरत हो जाए। तीसरी रात भी वही कुछ हुआ कि वो सारी रात सोते रहे। तो फिर वो परेशान होकर उन्होंने उनसे बात की कि चाचा मेरी बाप से लड़ाई नहीं थी, मैंने तीन दिन तेरे लिए जन्नत की बशारत सुनी, मैं देखने आया था कि आप क्या करते हैं तो तुसी तो वेले भांडे हो, एक ही बनी इधर तो कुछ भी नहीं, सारी रात सोते रहते हो और सुबह फजर की नमाज पे उठते हो, ये क्या चक्कर है? का बेटा यही है जो कुछ तुम देख रहे हो। तो वो बड़े बोझल कदमों से वापस चले तो कहने के बेटा इधर आओ, भतीजे इधर आओ। जब वो आए तो कहने के अब तुम्हें असल बात बताता हूँ, ये दिल पे हाथ रख कर का इस दिल में किसी के लिए नफरत नहीं, और जब अल्लाह किसी को कोई इज्जत देता है रिस्क देता है मुझे खुशी होती है, मुझे हसरत नहीं होती। तो बेटा अपने दिलों को उस अंसारी सहाबी जैसा बनाने के लिए लड़ते रहना लड़ते रहना लड़ते रहना। ये ऐसे नहीं है कि मेरी 5-6 साल की बातों से तुम्हारा दिल ऐसे हो जाएगा। ये मुश्किल तरीन सबक है जो सारे जवाहरुल अदब की बलागत से भी मुश्किल सबक है कि दिल को साफ रखना, दिल को साफ रखना, उम्मती बन के चलना, किसी फिरके के तर्जुमान न बनना सारी ज़िंदगी। देखो किसी फिर हम अहलुस सुन्नत वल जमात हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तरजीह के फतावा को हम तरजीह देते हैं, बाकी सब को इज्जत करते हैं, सब के लिए हम बाहें खुली रखते हैं, हम ही हैं और कोई नहीं, ये जहन न बनाना अपना। तासब फिल मजहब जितना आज़ादी मजहब नुकसानदेह है उतना ही तासुफ़ फिल मजहब नुकसानदेह है। तो अपने आप को उम्मती बना के चलना, अपने आप को अपने नबी का नायब बना के चलना। तुम अंबिया के वारिस हो, अल्लाह ने तुम्हें वारिस बनाया, तुम्हारी ये उम्र है, हम तो ढल गए, कब्र करीब है, दुनिया दूर है, आखरत करीब है। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप मेरा सरमाया हो, मेरा ज़खीरा हो। अगर आप सही चलोगे तो मेरे लिए प्रॉफिट है, मेरे लिए नफ़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। अगर आप इधर उधर हो गए तो मेरा ही नुकसान है, मेरा ही घाटा है। तो अपने आप को उम्मती बना के चलो। और करने के काम बहुत हैं लेकिन मुस्बत कामों में लगो। वो जो तीन काम है, एक मदरसा है, खानकाह है, तबलीग है, ये मुसरत काम है। बाकी सारे मनफी तर्ज के काम है, चाहे उनके ऊपर दीन का ठप्पा लगा हुआ हो, वो मनफी काम है सारे। मुसबत काम सिर्फ ये तीन हैं, इनमें अपनी ताकत को लगाओ। किसी को अल्लाह ने कलम की ताकत दी है तो उसको इस्तेमाल करें, किसी को शायरी की ताकत दी है तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। ज़िंदगी के हर शोबे में जाओ, हर शोबे में कोई पढ़ा हुआ है, बीए किया हुआ है या एफए किया हुआ है, उस तालीम को आगे मज़ीद आगे बढ़ाओ और आगे दुनिया के शोबे में जाने की कोशिश करो। अगर कहीं किसी भी जगह काम करने का मौका मिलता है तो बेटा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को नुमायाँ करने की कोशिश ना करना, पीछे रहना। अल्लाह ने तुम्हें आगे करना है तो यूँ पकड़ के आगे कर दे। और अगर आगे बढ़ने के लिए चक्कर चलाओगे तो अल्लाह की नज़रों से भी गिर जाओगे और लोगों की नज़रों से भी गिर जाओगे। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह
पर लोग ऐसे गिरते थे जैसे मक्खियां शहद पे गिरती, ऐसे गिरते थे। उनसे बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, लेकिन उन जैसा साफ दिल वाला मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा, उन जैसा मोहब्बत करने वाला इंसानियत से मैंने ज़िंदगी में कोई नहीं देखा। जो सबसे दुदकारे जाते थे मौलाना के यहाँ, वो मुअज़्ज़ज़ मेहमान होते थे। तो बच्चों, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, इतना मैंने अर्ज़ करना था। मैं आज ही आया हूँ इस्लामाबाद से वापस और थका हुआ हूँ। सारा 6 साल आप मेरी सुनते रहे हो और मैं आपको सुनाता रहा हूँ, बस मेरी इतनी गुजारिश है, 1 साल आप लगाना। सर कौन है जो 9 साल के लिए जा रहे हैं, खड़े होकर बताओ। वो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, इंशाल्लाह बाकी भी नकद हैं। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह बैठो।